हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, इस रात में कहीं राज थे? राज को राज ही रहने दीजिए। क्या बात है, ऐसे आदमी को जानते हैं जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बन गया। सिद्धू भाई नहीं, नहीं, इमरान खान। अरे बॉलीवुड पे तीनों खान की हुक्मरानी है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। हमारी इंडस्ट्री के तीनों खान कौन है? खान तो एक ही है। और उसके नाम पे पाबंदी है। फाइनली अ टाइगर, समबडी हु इज रॉयल, रीगल, कोरेजियस, कॉन्फिडेंट। टाइगर तो क्रिकेट में एक ही है, इमरान खान। Nothing can stop me. When challenges show up, I tackle them with all my strength, relying on the power that comes from being with God. I don't know the meaning of giving up, for failure isn't something I understand. With every obstacle, I keep going, getting stronger, much like a warrior that won't be defeated. Setbacks only make me bounce back even stronger, because I am a champion, and nothing can break. आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था, देखते हैं किसने अपनी मां का खून किया है,
जो लाल चौक में आके तिरंगा फहरा था। उस दिन 24 जनवरी थी। आज तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा, किसने अपनी माँ का दूध पिया। एक उदाहरण हमने जय जयकार का देखा, पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में वो निकले। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है, मतलब हैरान। इस देश में के प्रयत्नों से अगर कोई चीज अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ ना करें ये भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसके विरुद्ध मैं तो देता हूं। इन दिनों में पत्रकार मुझे पूछते हैं क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को, सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था। मैंने कहा कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया मेरे आप इन लोगों को क्या करूंगा। नहीं ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, दो राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। बोल तो नहीं गया हमें। The head of Pakistan Khan, he was a great cricket player, he became the head of Pakistan. He's the biggest cricket player, that's like being a great NFL player, a great baseball player. He was said to be just about the best, handsome guy. He became the boss, Pakistan. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के भारत में द चीप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन। हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। पीटीआई के जलसागाह के करीब मशहूर बैग से दस्ती बम बरामद हुआ है। पुलिस 9 सितंबर तक होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
पुलिस की होटल गेस्ट हाउस और केटरिंग मालिकान को हिदायत। पीटीआई जलसे के पेश नजर इस्लामाबाद शहर की तरफ जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। मैं आ रहा हूँ, ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना, ये क्रॉस करके दिखाए, फिर बेटा आओ तुम्हें रोक के दिखाएंगे तुम्हें। कहते हो कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, तुम केपीके की जो है ना, तुम जो है ना वो बाउंड्री अबोर करके दिखाओ। ओके, शोले का गब्बर सिंह, गब्बर सिंह इमरान खान, सिद्धू का जानते हैं जो क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बन गया। सिद्धू भाई इमरान खान इशारा ही दिया उन्होंने कि आ जाओ मेरे पास पास, तो उसी वक्त ये एक दम से सब पास आ गए। लेकिन सही है यार, एक शॉट की बात की जाए ना तो शॉट्स दोनों तरफ ही ना,
काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे पीएम मोदी हो। लेकिन ये कि स्टेटस में तो फिर फ़र्क है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और तीसरी दफ़ा वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, और उनके उनको देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास पावर है। लेकिन हमारे भी इमरान खान साहब जो है ना वो भी पावर दिखाने लगे थे, लेकिन भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पावर दिखाना। तो अब उनकी पावर काफ़ी देर से ना वो मतलब उनको पकड़ा हुआ है, लेकिन ट्राई काफ़ी की है, अब उनको उनको वो बहुत मुश्किल से जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर उनके एक एटीट्यूड की बात की जाए तो वो वाकई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। बाकी बेस्ट है, बाकी सही बात है। एक इमरान खान ने जब से एक वर्ल्ड कप जिताया था ना तब से एक लोग जानते हैं, लेकिन एक ना एक कम हो गया था उनका, लोग भूल जाते हैं चीज़ें। एक चाहे वर्ल्ड कप भी जिताया था लेकिन जब उसे वो पॉलिटिक्स में आया ना तब से उन्होंने ना काफ़ी एक अपने आप को घोरा है, क्योंकि जब भी वो पॉलिटिक्स में आए थे ना और प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो एक कंट्रोवर्सी भाई स्टार्ट हो गई। एक यूएनए में उसने जब वो एक स्पीच की थी और इंडिया में एक इंडिया का नाम उसने काफ़ी एक मेंशन किया था, तो तब ना एक काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। लेकिन आगे एक पॉपुलर लीडर पर आ जाए तो वो वाकई स्टैम है, क्योंकि इन्होंने खुद ही उसको एक पॉपुलर किया, एक पकड़ पकड़ कर जेल में डाला और फिर उस पर एक हमला हुआ और फिर आगे चलता चलता अब बहुत पॉपुलर हो चुका है। अब जो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के चार्ल्स के हुए ना इलेक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन किसके होने, चांसलर चार्ल्स, मुझे लगा इंग्लैंड का चार्ल्स तो वो एक ना उसने मतलब के काफी एक ना वर्ल्ड में नाम रहा है कि एक बंदा जो जेल से एक इलेक्शन लड़ रहा है, ये पहली दफा हुआ है। लेकिन पीएम मोदी पर आ जाए तो भाई उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उनका तो एक कंपैरिजन नहीं हम कर रहे इमरान खान के साहब के साथ, लेकिन फिर हमें लगा कि थोड़ा सा ना वीडियो वगैरह इकट्ठी करके देख लेते हैं। नहीं ऐसी है नहीं, कंपैरिजन खैर बनता भी नहीं है, वो एक वर्ल्ड लीडर हैं और एक अभी पाकिस्तान में एक पॉपुलर हो रहा है इमरान खान, अभी वर्ल्ड पे जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे इधर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इधर फेमस किसी को होने नहीं देते ना ही पॉपुलर होने देते, उससे पहले उनको जेल जो डाल के ख़त्म कर देते हैं। तो ये सेम टू सेम यही सिचुएशन इसके साथ एक चल रही है। लेकिन भाई उधर एक आप देखो ना कि उनका एक एक हज़ारों एक लाखों के हिसाब से उनके कारनामे पीएम मोदी जी के देख लो, एक वर्ल्ड के ऊपर जिस तरह उन्होंने एक वर्ल्ड लीडर्स के तौर पे ग्रिप की है या बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन पे ग्रिप की है, आप इंटरनल कंट्री साइड के ऊपर आ जाएं, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था, लोग डरते थे करने के लिए, वो भी उन्होंने किए हैं। तो आप उसका कंपैरिजन, लेकिन ये है कि एक टाइम था एक इमरान खान तरसता था कि मतलब जो ना वो पीएम मोदी एक दफ़ा कॉल ही कर ले, क्योंकि एक जब वो थोड़ा सा मसला उठा था ना उस वक्त, लेकिन पीएम मोदी जी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी और ये वेट ही करता रहा। बाकी जब ये जेल में गया है या थोड़ा सा इसका अपने इसके ऊपर जब दबाव आया ना उस वक्त इसको एहसास हुआ है कि एक इंडिया के साथ जो रिलेशन है ना वो हमें मुझे नहीं ख़राब करने चाहिए थे, क्योंकि इसने जिस तरह एक स्पेस बंद की, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसने एक बंद कर दी थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, ट्रेड सबसे बड़ा इसने एक स्टेप लिया जो कि बंद करने का उस वक्त, ये देखो ना एक एक अवामी प्रेशर के ऊपर ये सारे स्टेप लेता गया। लेकिन बाद में जब इसको पता चला कि एक जब युद्ध स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का, उस वक्त जब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी ना, उस वक्त इसको जब पता चला कि यार ये मैंने बहुत गलत स्टेप लिए, फिर ये एक इंडिया की तारीफ करने लग गया था कि इंडिया एक भाई अपने पाँव के ऊपर है, तो लिहाजा इसकी भी बहुत सारी गलतियां। लेकिन एक देखो ना जो हमारे थोड़ी सी एक रियासत के अंदर रियासत थी ना, उसको जो इसने चैलेंज किया है ना, उसकी वजह से ये काफ़ी फेमस एक अब हो रहा है। और अभी का अभी के लिए देखें जिस तरह लास्ट इलेक्शन हुआ है वो भी ये जीत गया था, बाकी सारी बात है उनके हाथ में थी, उन्होंने नहीं आगे आने दिया, लेकिन अब जिस तरह इसने चैलेंज किया हुआ है ना, और एक दिन ब दिन देखा जाए तो गेम इसके हाथ में आ रही है, क्योंकि अभी लास्ट दो दिन पहले एक इलेक्शन दूसरा इसका जलसा था लाहौर के अंदर, तो उन्होंने मतलब इसको इजाज़त वगैरह नहीं दी थी, तब इसने आर्डर किया
कि अगर इजाजत नहीं देते तो आप जो है ना उसी दे हो जाए, तो तब उन्होंने रात को इसको जाके इजाजत दे दी। तो मतलब ये कि थोड़ा बहुत इसका असर होगा, आप चल रहा है, लेकिन आप उसके पीछे क्या रीजन है ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके साथ क्या चल होता है। लेकिन भाई एक कंपेरिजन अगेन के नहीं बनता, एक बड़े भाई हाई लेवल के लीडर है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।